लिखने में बिजी है। Hey guys, welcome to my YouTube channel with another new vlog. मैं हूँ दुकान पे और आप सभी को मेरी दुकान से स्वागत है। तो आज की ब्लॉग में बहुत सारा काम है मेरी और एक फ्रेंड ने मुझे शॉर्ट हेयर कट कटने के लिए बोली थी रिम्पा माझी ने, तो मैं आज हेयर कटूंगी। आई होप मेरी ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे। और हेयर कटना मुझे इतना नहीं आता है, बट मुझे रिक्वेस्ट की है, दो दो कमेंट किया है, सो इसलिए मैं काट रही हूँ हेयर। सो ब्लॉग पर बनी रहे। सो गाइस, इनसे मिल लिए, ये है मेरी बहन। सो बैक साइड में हेयर कटूंगी और हेयर कटने के लिए मैं पहले बोल चुकी हूँ क्या क्या चाहिए और आप सभी को पता भी है। सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं हेयर कटना और एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी आप सभी को पता चलेगा। और हेयर को मैंने बांधने के लिए बोली थी मेरी बहन को और रबर बैंड से मेरी बहन बांध लिया और मेरी बहन पहले ही बोल चुकी है ज़्यादा मत काटना और मैं थोड़ा सा ही काटूंगी। सो सबसे पहले अपने हेयर को बांध कर रबर बैंड से थोड़ा नीचे जहाँ तक मैं काटूंगी वहाँ तक रबर बैंड को लाऊंगी और इतना सा देखिए, इससे भी छोटा करने के लिए बोली है, ज़्यादा मत काटना बोल के बोली है। सो मैं थोड़ा सा ही काटूँगी। ये देखिए कहाँ था और कहाँ तक मैंने लेके आई। और सबसे पहले मैंने जितना हेयर कटना है उतना सा तक रबर रुका दिया रबर बैंड को और मैंने वाटर लगाकर अभी काटूंगी मेरी बहन के हेयर को। गैस रबर बैंड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि खुद का हेयर खुद ही फ्रंट साइड लेके काट सकते हैं इसीलिए। सो ये बैक साइड है, सो बैक साइड से तो खुद नहीं कर सकते हैं, सो आप सभी को दिखाने के लिए मैंने एक्सेप्ट किया है। सो ये देखिए मेरी बहन के हेयर को मैंने काट लिया है और फिर इससे अच्छे से मिलाकर मैं दिखाऊँगी हेयर कैसे हुआ है, कॉमेंट कीजिएगा। और एक्चुअली मुझे हेयर काटना नहीं आता है, थोड़ा बहुत मैंने सीखी थी। सो गाइस ये देखिए मेरी बहन की हेयर मैंने काट लिया और अभी मैं रबर बैंड को खोल दूंगी। सो देखिए मेरी बहन की हेयर, एक्चुअली मेरी बहन की हेयर ना थोड़ा कर्ली सा है इसलिए ऐसा हुआ और बहन ने मुझे बोल दी थी थोड़ा सा ही काटना, सो मैंने थोड़ा सा ही काटा। लास्ट में मैंने थोड़ा सा वाटर लगा दिया क्योंकि इसका हेयर कर्ली है ना, इसीलिए देख रही थी कितना स्ट्रेट हुआ और कितना सा काट के कितना शॉर्ट किया। और आप लोग देख ही रहे हैं मेरी बहन के हेयर कितना पतले है। सो हेयर कटना हो गई है, अभी थोड़ा सा थोड़ा मिला रही हूँ कहाँ कितना हेयर काटा है, कितना अच्छे से मिला है, ये सब मिला कर अभी मैं बहन के हेयर कट बंद करती हूँ। सो गाइस मेरी हेयर कटिंग हो गई है और खुद का हेयर खुद ही काटे इसलिए मैंने रबर बैंड यूज़ किया और आप सभी को दिखाया। सो कैसी लगी मेरी हेयर कट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरी बहन की हेयर इतनी सी ही काटी। हेयर कटने के बाद मैं केले के पेड़ में रखती हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मी के नुस्खे है और सच्चे में बहुत जल्दी लंबी होती है हेयर। हेयर कटिंग के बाद अभी देखते रहिए मेरी ब्लॉग, और भी कुछ काम है मुझे। ये मेरी असमिस गमूसा जो पहले मैं गाना गाती थी तब मुझे सम्मान देते थे, वो दिन भी क्या दिन थे गाइस, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम के लिए गाना से थोड़ा दूर रहना पड़ा, बट कोई नहीं फिर वो दिन आएंगे ये मुझे आशा है। सो ये देखिए मेरी असमिस गमूसा। सो अभी मैं धो लूँगी असमिस गमूसा को सर्फ एक्सेल लेके, आज हमारी पानी मोटर नहीं है सो मुझे चापाकल से धोना पड़ेगा। ये रही पानी और सर्फ एक्सेल को मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसके बाद मैं धो लूँगी। धोना तो सबको पता ही है, खासकर लड़की लोग कैसे कपड़े धोते हैं, तो अच्छे से धो के इसे सुखा दूँगी तब मैं दिखाऊँगी मेरे पास कितना गमूसा है। दिखाऊँगी यहाँ पर धूप भी है। सो रेडी हो जाए आप सब मेरी गमूसा देखने के लिए, अभी मैं सुखा रही हूँ। सो देखिए मेरे पास इतना गमूसा, असम में हमें जब सम्मान देते हैं तो यही वो गमूसा है। मेरे साथ बहुत गमूसा है और ये तो असमिस गमूसा है, और भी गमूसा है मैं दिखाऊंगी आप सभी को। सो देखिए मेरी कितनी गमूसा है, आई कांट फ्लिप जो मेरी इतना सारा गमूसा है। सो हमने गमूसा सुखा लिया है। सो ये है हमारी आशा गमूसा, अच्छा गमूसा और
उड़िया की जो गमोसा है और पूजा में हमें जो गमोसा लगते हैं वही। फिर गमोसा मेरी सूख गई है, अभी मैं अच्छे से रख दूँगी इसे। हेलो गाइस, हेयर कट करने के बाद मैं अभी जा रही हूँ फॉर्म सबमिट करने के लिए, जो फॉर्म 10,000 सरकार दे रही थी वही फॉर्म सबमिट करने के लिए। चलिए हमारी फॉर्म कैसे फिलअप किया और कहाँ हमें सबमिट करूँगी। सो गाइस, मैं अभी दुकान में हूँ और ये रही मेरी फॉर्म, अभी सबमिट करने के लिए जाने वाली हूँ। बिजी है लिखने के लिए, लिखने में बिजी है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ 10,000 के लिए। सो फॉर्म सबमिट करने के लिए हम लोग आ गए हैं बकुलोनी चारेली। सो सब लोग खुश है। के लिए मेरी आंटी को देखिए। सो अपने अपने कामों में सब लोग बिजी है 10,000 के लिए। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।